हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या यूपीएससी 2021 के मेंस के एनालिसिस में एक बार फिर से दोस्तों जीएस वन जी टू या पेपर नंबर टू पेपर नंबर थ्री हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियोस में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आप सभी की डिमांड पर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट दो पेपर हैं सबसे पहले जी जीएस थ्री जिसको पेपर नंबर फोर भी कहा जाता है उसको आज के कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के थ्रू आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेपर नंबर फोर या जर्नल स्टडीज थ्री में आता है उसके बाद फिर हम एक एक करके जो इस बार का मेंस का एग्जामिनेशन रहा उसका जो क्वेश्चन पेपर रहा जीएस थ्री का एक एक क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए गाइडेंस मिल जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और किस तरीके से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ताकि पढ़ने से पहले पढ़ते वक्त या पढ़ने के बाद रिवाइज करते वक्त प्रैक्टिस करते वक्त आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन सके दोस्तों पेपर फोर या जनरल स्टडीज थ्री सबसे पहले इसके सिलेबस को ब्रीफली देख लिया जाए तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो टेक्नोलॉजी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका पहला कॉम्पोनेंट है उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इंडियन इकोनॉमी उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जिसको एनवायरमेंटल साइंस भी आप कह सकते हैं उसी के साथ एनवायरमेंट फिर सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट मोटे मोटे तौर पर एक बार फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी एनवायरमेंटल साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी या बेसिकली मोटे मोटे तौर पे पांच डिफरेंट सब्जेक्ट्स से मिक्स होगा क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज थ्री ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज और अगर ब्रीफली इसके सिलेबस के थ्रू जाएं तो आप जब भी नोटिफिकेशन देखेंगे किसी भी साल के यूपीएससी एग्जामिनेशन का तो उसके सिलेबस सेक्शन में जब आप जाएंगे तो एक एक पेपर का आपको बुलेट पॉइंट वाइज सिलेबस वहां पर मिल जाएगा विच आई थिंक विल बी ट्रू फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन सबसे पहले है इसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट मुझे लगता है इकोनॉमी का जितना भी सिलेबस है वो आप या हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के अभी तक हम लगभग ग्यारह बारह लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ महीनों में रफली थर्टी थर्टी फाइव लेक्स के थ्रू हम इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह जो बहुत अच्छी किताब है मेजर रिसोर्स है इंडियन इकोनॉमी का और मैं कहूंगा सबसे बेस्ट रिसोर्स कहा जा सकता है उसके थ्रू पूरे डिटेल में कवर आपके साथ हम करेंगे साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो सब भी इसमें आएंगे दूसरा है

टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ ये जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन होगा प्लस उसके साथ करंट अफेयर्स होगा उसके थ्रू कवर किया जाएगा और हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो सीरीज हैं उसका अगर आप 14, 15, 16, 17 देखेंगे तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में आपके लिए वो कवर करके प्रेजेंट करेगा इसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट फार्मीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन डी के बारे में फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में फूड सिक्योरिटी के बारे में बफर स्टॉक्स के बारे में टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग मतलब जो अलाइड सेक्टर है लाइफ स्टॉक रियरिंग एक्सेट्रा है वो और इससे पहले वाला टॉपिक हमारी जो सीरीज है इंडियन इकोनॉमी के उसके जो लेक्चर नंबर 14, 15, 16, 17 है पूरे डिटेल में कवर करेंगे इनफैक्ट अगला जो टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्कोप सिग्निफिकेंस लोकेशन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट यह भी लेक्चर नंबर 14, 15, 16, 17 के थ्रू ही कवर होगा फिर लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया भी लेक्चर नंबर 14, 15, 16, 17 के थ्रू होगा लैंड रिफॉर्म्स रिफॉर्म कहूंगा ज्योग्राफी के साथ भी कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोमी चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो यह लेक्चर आपको मिल जाएगा रफली लेक्चर नंबर फोर के आसपास फोर फाइव सिक्स में कवर होता तो हुआ दिखाई देगा इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी पोर्ट्स रोड्स एयरपोर्ट रेलवे मिलेगा लेक्चर नंबर 18 से कवर होता हुआ उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और यह सब आपको मिलेंगे लेक्चर नंबर एट के थ्रू कवर होते हुए तो पूरी इंडियन इकोनॉमी आपको अच्छे से कवर होते हुए मिलेगी हमारी सीरीज में आप चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं किसी और के लेक्चर्स आपको बेटर लगे तो वो भी देख सकते हैं तो यह रहा इकोनॉमी का पोर्शन मतलब अगर टोटल सिलेबस देखिए आप जीएस थ्री का उसमें रफली 40 से 45 परसेंट जो सिलेबस है वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ही कॉन्स्टिट्यूट करता है और मैं कहूंगा 40 से 45 परसेंट अगर इंडियन इकोनॉमी हो गया तो बचा हुआ रफली 50 55 परसेंट फिर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करते होंगे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड आप मीन में क्वेश्चन देखेंगे एक या दो क्वेश्चन ही जनरली इसमें आते हैं तो अगर आप करंट अफेयर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे इसके अलावा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी सेम करंट अफेयर्स के थ्रू इसको आप कवर कर पाएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आई स्पेस कंप्यूटर्स रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्सेट्रा तो ये सब भी आप करंट अफेयर्स के थ्रू पूरी तरह कवर पाएंगे तो ये रहा तीन या चार बुलेट पॉइंट्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस फिर रहा बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो उसमें कॉन्जर्वेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो कुछ तो आप स्टैटिक पोर्शन से कवर कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल शंकर आई की जो स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल साइंस की बुक आती है या पी की आती है उसको भी आप कवर कर सकते हैं या करंट अफेयर्स में अगर कोई ऐसी बात हो कहीं फ्लड आ रहा हो लैंडस्लाइड्स हो रहे हो किसी तरह का कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड इवेंट हुआ हो उस पर्टिकुलर साल में या ईयर एंड हाफ में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सेम स्टोरी फॉर डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट उसके बाद लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म मतलब की डेवलपमेंट की वजह से लोग डिस्प्लेस होते हैं जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म राइज हो जाता है फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अलावा जो रोल है एक्सटर्नल स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी सो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे इस पे बन सकते हैं और जो लास्ट टॉपिक होगा जी थ्री का या पेपर नंबर फोर का वो होगा चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क रोल ऑफ मीडिया सोशल नेटवर्किंग इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन तो साइबर सिक्योरिटी हो मनी लॉन्ड्रिंग हो या उसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का हो या नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मीडिया सोशल मीडिया एटसेट एटसेट इन सब को भी पूरी तरह से कवर करेगा हमारा जी एस थ्री अगर आप इसका प्रॉपरली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है किसी भी पोर्शन में आपको आंसर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेजरली इसमें दो चीजें स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगी एक तो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बहुत सारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं हिस्टोरिकल सब्जेक्ट्स हैं प्लानिंग से रिलेटेड रिसोर्स मोबिलाइजेशन से रिलेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा जो आपको हो सकता है करंट अफेयर्स में ना मिल पाए उसके लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी ही होगी लेकिन जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या नेशनल सिक्योरिटी है या डिजास्टर मैनेजमेंट है ये ज्यादातर चांसेस हैं कि ये जो करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स रेलिवेंट होंगे उनके थ्रू आप इनको अच्छे से कवर कर पाएंगे आंसर कर पाएंगे तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस रहा पेपर नंबर फोर जीएस थ्री के सिलेबस का अब हम मूव करते हैं जो इस बार का क्वेश्चन पेपर आया जनवरी 2022 में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या यूपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन पेपर आया जीएस थ्री का अब उसको एक एक क्वेश्चन करके बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे पर क्वेश्चन बट एक फील लेने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब समझ गए कि इंडियन इकोनॉमी मेजर टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है डिजास्टर मैनेजमेंट है साइंस है नेशनल सिक्योरिटी है तो चार पांच जो बड़े टॉपिक्स हैं किस टाइप टॉपिक क्वेश्चन को पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पेपर्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जरूरी है ताकि आपका फ्रेम ऑफ माइंड प्रॉपरली डेवलप हो सके जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं पढ़ना तो है लेकिन कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है किस माइंडसेट से पढ़ना है क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है जब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअली पूछा क्या जाता है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब तक आप अपना रिस्पांस उसके हिसाब से टेलर नहीं कर पाएंगे चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस क्वेश्चन पेपर 2021 पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोजी ऑफ इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर टू एंड आफ्टर द ईयर टू भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए क्या लगता है स्टैटिक पोर्शन से है या करंट अफेयर से है स्टैटिक पोर्शन से है और आप अगर हमारा लेक्चर नंबर टू या थ्री देखेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमी के सीरीज का तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली इसको आप आंसर कर पाएंगे बहुत क्लियरली इसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि पहले हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते थे और अब जो नई मेथोडोलॉजी है या जीवीए मेथोडोलॉजी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बजाय अब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो कैलकुलेट करते हैं ताकि जो वैल्यू एडिशन है मिस ना हो जाए इंटरमीडिएट स्टेप्स पे और उसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस लाए गए टू की इस नई मेथोडोलॉजी में प्रॉपरली आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर टू पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए इन दोनों बजटों के संगठनों को समझाइए डिस्टिंग कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट एक्सप्लेन द कॉम्पोनेट्स ऑफ बोथ दीज बजट जैसे जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो बजट पे बहुत क्लियरली सब टॉपिक था और इसको आप करंट अफेयर से आंसर कर पाएंगे या इसको स्टैटिक पोर्शन से इसको आप इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन से आंसर कर पाएंगे और जब हम बजट पढ़ाएंगे आपको तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी बजट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है तो जब हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे लैंड रिफॉर्म से क्लियरली एक सब बुलेट पॉइंट था तो उसका मतलब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड चाहे आप इंडियन इकोनॉमी के थ्रू पढ़िए चाहे उसको ज्योग्राफी के पार्ट के थ्रू पढ़िए कई बार इन्वायरमेंटल साइंस के थ्रू भी लोग पढ़ सकते हैं या आप वाईकी से पढ़ सकते हैं या आप वीके से पढ़ सकते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा करंट अफेयर्स में या इसका आंसर मिलेगा स्टैटिक में अगेन स्टैटिक में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जब मैंने अपना दूसरा मीनस एग्जाम लिखा मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि कुछ स्टेट्स को छोड़ के फॉर वेस्ट बंगाल आप देख कर, देख लीजिए केरला लीजिए बाकी स्टेट्स में शायद लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं रहे क्यों क्या इंपैक्ट रहा एक्टसेट्राइट्रा तो लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड हम देख रहे हैं बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो क्यों ना हम उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें अब आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर चार कहता है हाउ एंड टू वट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरीगेशन हेल्प इन क्राइसिस भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी इसका मतलब यह ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप स्टैटिक पोर्शन से भी और उससे कहीं ज्यादा आप जो करंट अफेयर्स में लेटेस्ट न्यूज पढ़ रहे हो खासतौर से माइक्रो इरिगेशन को लेके स्प्रिंकलर इरिगेशन हो सकता है ड्रिप इरिगेशन हो सकता है उस को कैसे हम वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की या वाटर क्राइसिस जो लूमिंग वाटर क्राइसिस है उसको स्टेव ऑफ करने में कैसे हेल्प हो सकते हैं माइक्रो इरिगेशन अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप उसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक करंट में जाएंगे तो वाटर स्कैटिटी जो है चाहे आप पंजाब देख लीजिए बाकी जगह देख लीजिए जहां पे बहुत सारे जो एरियाज हैं जैसे पंजाब का आप एग्जांपल देख लीजिए 84 परसेंट से ज्यादा पंजाब 2030 तक एक डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सेम स्टोरी हरियाणा की है राजस्थान ऑलरेडी उस स्टेज पर पहुंच चुका है इवन वेस्टर्न यूपी का भी वही हाल होगा इसके अलावा आप साउथ इंडिया देख लीजिए तो ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जब भी देखेंगे इमिजिएटली आपका रिस्पॉन्स फ्रेम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है हाउ इज एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन दर्ड एस फोर हंड्रेड हवाई रक्षा प्रणाली इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है एक डेडिकेटेड लेक्चर हमने इस पर उस वक्त डिलीवर किया और मुझे लगता है यह रहा होगा दिसंबर के महीने के आसपास और उसके कुछ दिन बाद जब मेंस का पेपर हुआ तो एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एस फोर बेटर बैटर कैसे है एस फोर हमने रशिया से परचेज किया रफली फाइव बिलियन डॉलर में पांच हमको बैटरीज मिलेंगी और सारी डिटेल्स आप उस लेक्चर से आप ले सकते हैं मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा कहीं ना कहीं टेक्निकल सुपीरियोरिटी पे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर सिक्स Explain the purpose of Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit of COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November 2021. When was this idea first floated in the International Solar Alliance? November 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए अंतरराज्य शौर गठबंधन जो ISA है में यह विचार पहली बार कब दिया गया था तो दोस्तों एनवायरमेंट साइंस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको इस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव पे भी एक डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड एनवायरमेंट साइंस का जो तो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज पे है सीओपी ट्वेंटी हाल ही में ग्रासगो में कंडक्ट हुआ कैरी आउट किया गया क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाउ आर दिस डिफरेंट From its last update in 2005, what changes in India's National Clean Air Program are required to achieve these revised standards? Environment साइंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे इस पे भी हम एक डेडिकेटेड लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं जो क्लियरली बताता है कि पहले जो ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस हुआ करती थी जैसे उसमें PM 2.5 के क्या मानक थे बाकी चीजों के क्या मानक थे अब वो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कैसे हो गए हैं ग्लोबली जो सबसे पोल्यूटेड सिटीज है उसका एक मेजर चंक इंडिया में सिचुएटेड माना जाता है तो उसी कॉन्वर्सेशन से करंट अफेयर से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे मतलब एनवायरमेंट साइंस के दो क्वेश्चन आए दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर से स्टैटिक पोर्शन से नहीं स्टैटिक से हो सकता है आपको प्री में क्वेश्चन देखने को मिले क्वेश्चन नंबर एट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट पे डिस्कस अबाउट द वेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड गिव एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग सेलियन फीचर ऑफ मेजर डिजास्टर्स भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेदता की विवेचना कीजिए पिछले तीन दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ आप हाँ दीजिए तो अर्थक्वेक रिलेटेड इवेंट उसकी वजह से यह क्वेश्चन ट्रिगर हुआ और कोई भी करंट अफेयर्स आप अर्थक्वेक पर पढ़ेंगे पिछले साल का तो उसमें आपको पहले कौन कौन से इवेंट्स है वो भी सारे पता लग जाएंगे क्योंकि इसमें तीन डिकेट्स का डेटा पूछा है कौन कौन से मेजर अर्थक्वेक इवेंट्स रहे और किस तरीके से ट्रिगर होते हैं इंडिया की क्या वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया को अलग अलग हजार जोन में भी बांटा गया है अर्थक्वेक वनिबिलिटी के हिसाब से क्या इंडिया का रिस्पांस प्लान है और किस तरीके से ऐसे जो मेजर डिजास्टर्स हैं उनको इंडिया टैकल कर पाएगा क्या इनका इंपैक्ट रहा पिछले तीन डिकेट से में भी ज्यादा तो ये रहा क्वेश्चन नंबर एट अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ हद तक स्टैटिक और स्टैटिक में डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का इसमें मिक्स आप कह सकते हैं तो ज्योग्राफी स्टैटिक एंड ए पोर्शन ऑफ करंट अफेयर क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग

पनामा पेपर्स हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे पेपर्स बार बार निकल कर आते हैं काफी हद तक अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की इकोनॉमी की अगर प्ले में जाएंगे तो इससे रिलेटेड आपको दो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे जिससे मुझे लगता है काफी हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कौन से लेटेस्ट रेवोल्यूशन रहे मनी लॉन्ड्रिंग को लेके लोग कैसे टैक्स में पैसा बचाते हैं मनी लॉन्डर करते हैं और इंडिया किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या पनामा हो केमिन आइलैंड हो उनके साथ टाई अप करके वहां से इंफॉर्मेशन निकाले साथ ही साथ हमारे इंपॉर्टेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कौन कौन से एक्ट्स हैं इनिशिएटिव्स हैं लॉज हैं उसको आपको यहां डिस्क्राइब करना होगा डोमेस्टिक के साथ साथ इसमें जो इंटरनेशनल लेवल्स पे एफर्ट हैं फॉर एग्जांपल जी ट्वेंटी नेशन का एक मेजर एफर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने का हटाने का या खत्म करने का अब हम पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर टेन

कुछ स्टैटिक पोर्शन और क्योंकि पिछले साल कई सारे साइबर अटैक्स देखे गए सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली तो बड़ा सा जनरल सा टॉपिक है जिसको मुझे लगता है करंट करंटफेयर के थ्रू आप आसानी से आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन डू यू अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप रिकवरी गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के थान का अनुभव किया है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए हो सकता है आप अग्री करें हो सकता है आप अग्री ना करें और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड रिलेटेड हम लोग एक बहुत डिटेल में लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं जो आप इकोनॉमी करंट की प्ले में जाएंगे एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे कि दिखने को तो वी शेप रिकवरी दिखती है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच है बेस इफेक्ट का पिछले साल क्योंकि रिकवरी हमारी कम थी तो जैसे ही हमने थोड़ा सा इस साल रिकवर करने की की कोशिश वी शेप में दिखाई देना शुरू करती है लेकिन एक्चुअली यू हैव टू टेक दैट विद ए ऑफ सॉल्ट तो करंट विदेयर से रिलेटेड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है भारतीय अनुभव के परिपेक्ष में विवेचना कीजिए तो दोस्तों स्टैटिक पोर्शन के साथ कुछ करंट अफेयर्स भी क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेस वेज इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है साथ ही साथ डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर हम कंस्ट्रक्ट कर, कर रहे हैं साथ ही साथ एक्सेस कंट्रोल्ड ई एक्सप्रेस भी हम कंट्रोल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उनके थ्रू कैसे अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू इंडस्ट्रीज को हम फेसिलिटेट कर सकें कंपेटेटिव हो सकें ईज ऑफ बिजनेस डूइंग को बढ़ा सकें ताकि इन्वेस्टमेंट आए इन्वेस्टमेंट आएगा तो जॉब्स मिलेंगे फैक्ट्रीज लगेंगी जिससे इंक्लूसिविटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और जो हमारे लेक्चर नंबर एटीन नाइन ट्वेंटी होंगे उसमें आप क्लियरली स्टैटिक पोर्शन इंडियन इकोनॉमी का आंसर कर पाएंगे और उसको आप सप्लीमेंट करेंगे जो करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है चाहे नेशनल मोनिटाइजेशन प्लान हो चाहे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हो जिसमें एक लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं टू तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में क्वेश्चन नंबर थर्टीन डायरेक्ट क्वेश्चन वॉट आर द फीचर्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं है। क्या हैं? हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प इन एलिमिनेटिंग हंगर न्यूट्रिशन इन इंडिया डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे अगर आप हमारा हेल्थ हेल्थ केयर केयर का के साथ साथ आप चिल्ड्रन रिलेटेड वुमेन रिलेटेड अगर प्ले के जो वीडियोज देखेंगे कि कुपोषण की क्या स्थिति है मेल न्यूट्रिशन की आज भी क्या स्थिति है हमने कोशिश की है मिड डे मील के थ्रू या अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी बिल के थ्रू कोशिश करें फ्री खाना पहुंचाना राशन पहुंचाना लेकिन आज भी मेल न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत मेजर चैलेंज है और सिर्फ मेल न्यूट्रिशन नहीं लेकिन एनीमिया और एनीमिया के साथ साथ हिडन हंगर। कुछ दिन पहले हम लोगों ने हिडन हंगर पे बहुत मेजर लेक्चर डिलीवर किया है हिडन हंगर का मतलब है कि आपका पेट तो भर रहा है लेकिन न्यूट्रिशन आपके पास नहीं है तो हो सकता है आपका पेट भर जाए लेकिन क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोटीन्स विटामिन नहीं है तो मैल न्यूट्रिशन का जो इश्यू है वो फूड सिक्योरिटी बिल के आने के बावजूद भी शायद हम पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो आप स्टैटिक पोर्शन से जो भी सीरियन फीचर्स है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू उनको लिस्ट आउट करिए और फिर आप दोनों साइड दीजिए कि एक तरफ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हम सबको राशन अवेलेबल करवाएं चाहे वो अंत्योदय कार्ड हो चाहे रेगुलर राशन कार्ड्स हो इसके अलावा बार बार हम एक्सटेंड करते हैं जो पीएम कल्याण योजना है जिसके थ्रू तीन महीने का एडिशनल राशन फ्री अवेलेबल करवाया जा रहा है लेकिन जो हिडन अंगर का प्रॉब्लम है मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है एनीमिया का प्रॉब्लम है या बच्चों में स्टंटिंग वेस्टिंग का इश्यू है उसको आज भी हम बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल इवेल्यूशन इसमें हो जाए स्टोरी बोथ साइड्स ऑफ दी कॉइन फिर आ गया हमारा क्वेश्चन बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं करंट अफेयर रिलेटेड बहुत ज्यादा स्टेटिक्स में शायद काम नहीं आएगा लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स को सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे तो ईजिली आंसर कर पाएंगे अगर आप हमारी प्ले में जाएंगे एग्रीकल्चर में जाएंगे एग्रीकल्चर प्ले में जाएंगे तो चार पांच लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में फॉर एग्जाम्पल ड्रोन अब आ रहे हैं एग्रीटेक आ रहा है कैसे हम टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्रोन्स को माइक्रो इरिगेशन को इन सब को क्लब करके नए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं अभी तक क्या इश्यूज थे क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी छोटे फार्मर्स हैं अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेस की कैपिटल नहीं है ड्रोन अगर छोटा फार्मर खरीदना चाहता है तो खरीद नहीं सकता कैसे है? लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें ड्रोन को शेयर किया जा सकता है या अभी जो कृषि ड्रोन योजना बजट ऑफ 2022-23 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ऐसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो सॉल्यूशंस इंडिया ऊपर से पुश कर रहा है अब हमारे एग्रीकल्चर में कैसे वो जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर या इंडियन एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वॉट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन अपलाइड बायोटेक्नोलॉजी हाउ विल दीज अचीवमेंट हेल्प टू अपलिफ्ट द दोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अनप्रयुक्त जैव विद्योगी में शोध एवं विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी तो दोस्तों जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बायोटेक्नोलॉजी पे बायोडाइवर्सिटी पे एक अलग से सब बुलेट पॉइंट था स्टैटिक पोर्शन है इजीली आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स टू थाउजेंड फोर्टीन वॉज ज्वाइंटली अवॉर्डेड टू

कर पाएंगे कितना सक्सेसफुल रहा इंडिया के क्या कमिटमेंट्स रहे ये जो सीओपी ट्वेंटी सिक्स अभी हुआ ग्लासगो में हाल ही में ओवरऑल सीओपी ट्वेंटी सिक्स को बहुत सक्सेसफुल नहीं माना जा रहा है लेकिन एक इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के तौर पे इसको देखा जा रहा है सीओपी ट्वेंटी सिक्स को अब लास्ट के तीन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेस एंड द फैक्ट्स ऑफ लैंड स्लाइड्स मैंशन द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंड स्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी 2021 में केरला में मेजर लैंडस्लाइड्स देखे हिमाचल में लैंडस्लाइड्स देखे इसके अलावा जो हिली टेरेंस हैं वह हर साल लैंडस्लाइड्स एक मेजर रिस्क के तौर पे इमर्ज होते हैं तो करंट अफेयर्स के थ्रू और जो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है स्टैटिक पोर्शन के थ्रू आप इजिली डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आंसर आप कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाई एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो डिस्कस मेजर्स रिक्वायर टू बी टेकन टू कॉम्बैट भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाहर और गैर राज्यकार चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए स्टैटिक पोर्सन है डेली आप पढ़ते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं इसके अलावा जो एक्सटर्नल स्टेट है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से चैलेंज है चाइना से चैलेंज है जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनसे कैसे सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी हो सकता है इंडिया के डोमेस्टिक ग्रुप्स हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हो वो भी बार बार फॉर एग्जांपल मुजाहिदीन एटसेट्रा जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी का एक इशू है या इंडिया में बहुत सारे कई बार लगातार लश्कर तयबा हिजबुल मुजाहिदीन सिमी एटसेट्रा ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को एक बड़ा चैलेंज पोज कर सकते हैं तो सबसे पहले उनको समझाइए चैलेंजेस को मल्टी डायमेंशनल क्योंकि सिर्फ एक ही सोर्स नहीं है इन सारे चैलेंजेस का हो सकता है पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा हो उधर से चाइना स्पॉन्सर कर रहा हो इधर से मान लीजिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी एक डोमेस्टिक इशू है जिसको नेक्सलिज्म भी कहा जाता है इन सभी की वजह से एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज के तौर पे नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इमर्ज हो जाती है और क्या क्या मेजर्स आप ले सकते हैं इन थ्रेट्स को कॉम्बैक करने के लिए इसको आंसर करना होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आप डेवलपमेंटल वर्क करिए लेफ्टविंग एक्सट्रीमिज्म को इस सारे इश्यूज को आप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेड करिए फोर्सेस को ज्यादा बेटर करिए अवेयरनेस बढ़ाइए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप करिए आर्टिकल 370 हटना एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप माना जाता है हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस डायरेक्शन में इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जाम्पल इंसर्जेंसी का एक इशू है जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या एसफा जो है उससे भी कहीं ना कहीं कोलेट होता है कनेक्ट होता है और उस पर भी हम दो या तीन लेक्चर्स बहुत अच्छे से डिलीवर कर चुके हैं तो इन सारी इंफॉर्मेशन को क्योंकि आई का जो एग्जाम है मेहंस का जो एग्जाम है वो एनालिसिस का एग्जाम है बहुत सारी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे अब जो उन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को समझ जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से उठानी है और कैसे उनको एक थ्रेड में डाल देना है कैसे इंटरलिंक करना है वही इस गेम में जीतेगा ट्वेंटी एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेरिज्म इट्स लिंकेजेस एंड उजेस्ट मेजर्स रिक्वायर टू बी टेकन टू इराट दिन आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता इसके कारणों संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए स्टैटिक पोर्शन जनरल क्वेश्चन आई वुड थिंक जो हम डेली सुनते हैं कई टेरर अटैक से 1990 से ही इंडिया जूझ रहा है टेररिज्म के इस इशू से कई एरियाज में, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर हो टेररिज्म हमेशा से एक बड़ा इशू रहा है क्या इसके लिंकेजेस हैं, क्या इसके कॉजेस हैं हो सकता है स्टेट एक्टर सपोर्ट कर रहे हूं? हो सकता है डोमेस्टिक ग्रीवियंस हो लोगों के जो सपोर्ट करते हूं? हो सकता है एक्सट्रीमिज्म का माहौल बन गया हो किसी ना किसी वजह से कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं रिलीजियस रीजन हो सकते हैं बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं या इंटरनेशनल जो माहौल हो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं जैसे आई एस का जब माहौल बना था तो लोग बड़े उससे मोटिवेट होकर बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया फाइनली आई को खत्म किया गया एंड फाइनली वो जो इमोशनल एक फेज रहा जिसमें बहुत यंगस्टर्स ने पढ़े लिखे लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो अब फाइनली हैज डाइट डाउन क्या लिंकेजेस हैं क्या नेक्सेस है कैसे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और कौन कौन से मैजर्स ले सकते हैं जैसे उनकी फंडिंग कम करिए हमारे लोग अगर उस तरफ मोटिवेट हो रहे हैं उनको आप डिमोटिवेट करिए उनके अंदर आप अवेयरनेस बढ़ाइए उनको आप एजुकेट करिए बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में रह के उनके जो जिनमिन इश्यूज हैं ग्रीव्यांश हैं उनको आप एड्रेस करने की कोशिश करिए इसके अलावा चाहे इंटरनेशनल मेजर्स हो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जी सेवन हो जी ट्वेंटी हो यूएन हो एफ एफ हो इंटरपोल उनके भी आप इंपॉर्टेंट पार्ट बनिए अलाइंसिस डेवलप करिए जिसके थ्रू इस इशू को सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन ग्लोबल स्टेज से उखाड़ फेंके तो दोस्तों ये है GS3 का क्वेश्चन पेपर टाइप मतलब रफली 45-50 परसेंट इंडियन इकोनॉमी जिसमें लेट्स लेर्टी परसेंट के आसपास स्टैटिक पोर्शन रफली 20 परसेंट के आसपास करंट अफेयर्स रिलेटेड उसके अलावा दो क्वेश्चन रफली डिजास्टर मैनेजमेंट दो क्वेश्चन रफली आपके एनवायरमेंटल साइंस सिमिलरली आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड भी दो या तीन क्वेश्चन जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी हो सकता है फिर आपका हो गया बायोडाइवर्सिटी और इसके अलावा आपका हो गया लैंड रिफॉर्म्स तो जो सब बुलेट पॉइंट दिए हुए सिलेबस के कहीं ना कहीं एग्जैक्टली exactly उससे मैच करता हुआ नजर आता है या नजर आते हैं तो जीएसथी के क्वेश्चन अपियर होते हैं यूपीएससी के मेन्स एग्जामिनेशन में तो मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारा आज का एनालिसिस पहले के दो एनालिसिस की तरह आपको पसंद आया होगा आपको मदद मिली होगी जीएस थ्री या पेपर नंबर फोर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रिटिकली एनालाइज करने में समझने में कि क्या उसका सिलेबस है कैसे क्वेश्चन आते हैं किन किन सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं स्टेट्यून जय हिंद जय भारत